खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां सदर विधायक प्रतीक भूषण ने आज साइकिल से संकल्प यात्रा निकाला है। इनकी यह यात्रा गोंडा से चलकर लखनऊ हजरतगंज पहुंचेगी। सुबह 4:30 बजे यात्रा निकली है और दोपहर में 1 बजे तक इनकी यात्रा लखनऊ साइकिल से पहुंचेगी। थोड़ा फेस इधर करिएगा, नदियाँ यहाँ पर थी, उनकी ट्रिब्यूटरीज थी, आज वो विलुप्त होने के कगार पर पहुँच रही हैं। तो हम लोग का ये आह्वान है कि आज के नौजवान इस पर चिंता करें और हमारी सरकार का साथ दें। और हम लोग जल संचयन के बारे में भी बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार चाहती है कि पब्लिक पानी बचाए, पब्लिक में अवेयरनेस हो, तो हम लोग अवेयरनेस के लिए भाई सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोजेक्ट करना शुरू कर रही है, खेती पर कैसे और खेती का विकास हो, नदियों का कैसे विस्तार हो, नदियों का पहले का स्वरूप कैसे पहले ऐसा स्वरूप नदियों को मिले। और पर पब्लिक से भी अपील है कि पानी वेस्ट करना बंद करें, समर सेबल का दुष्प्रचार होना चाहिए और उसकी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। आज जल संपदा से संपन्न हमारे गोनर की भूमि में भी आज भी ऐसे कई गांव हैं जो 200 फीट से 300 फीट से ज़्यादा पानी नीचे जा चुका है। और यही ऐसे गांव थे 8-9 साल पहले जहां पर 15 फीट में पानी मिलता था। तो जल का संकट शुरू हो चुका है, पर्यावरण के ऊपर खतरा है। वह सड़क नाली इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग बनाते रहेंगे, उसको रिपेयर करते रहेंगे, पर प्रकृति ने हमको जो एक मूल सुविधा दी है, एक प्रकृति ने हम लोग को जो गिफ्ट दिया है, उसके संरक्षण के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे जोश और खरोश से गांधी जी के 150वीं जयंती को माफ करने के लिए हम लोग उनके सम्मान में आज ये एक संकल्प यात्रा, एक साइकिल यात्रा पर्यावरण सुरक्षा के लिए निकाले हुए हैं। हाल ही में होने वाले ओलंपिक में भाग लेने का कहीं विचार तो नहीं विधायक जी? देखिए, हमारे क्षेत्र में अभी ओलंपियंस की बड़ी ज़रूरत है और स्कोप बहुत है। हमारे यहाँ अभी साइकिलिंग से, कायाकिंग से, रेसलिंग से, शूटिंग से भविष्य में आप ओलंपिक के प्लेयर्स निकलते देखेंगे। और हम लोगों ने उनके लिए एक हमारी सरकार और हम एज पब्लिक हम लोग उन ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों के पीछे मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो अभी कुछ खिलाड़ियों हम लोग को दिखते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में आगामी 10 साल के अंदर कई ओलंपिक के खिलाड़ी हमारे क्षेत्र से निकलेंगे। और आज जो मेरा ये लखनऊ तक का सफ़र है, ये इसलिए भी मुफीद है कि एक साइकिलिंग ट्रैक के लिए ये रूट जो है अब पूरे इंडिया में जाना जा सकता है, क्योंकि इतना खूबसूरत रूट है, इतना बढ़िया ट्रैक बना हुआ है 4 लेन का, तो इसका ही प्रचार होना चाहिए। कई गेम्स के स्कोप इससे मुझे दिखते हैं, भविष्य में आ रहे हैं। कितने बजे आप निकले हो, कितने बजे लखनऊ पहुंचेंगे? हम अभी 4:30 बजे के करीब यहाँ अपने विधानसभा गोंडा से निकले हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम 1 बजे तक गांधी जी की प्रतिमा विधानसभा लखनऊ के सामने हजरतगंज में टाइमली पहुंचेंगे, जहां पर आगामी कार्यक्रम किया जाएगा।